अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने अपने इस इरादे को फ़रिश्तों के सामने जाहिर फ़रमाया कुरान करीब में इसका तस्करा है अल्लाह ताला ने फ़रमाया इन्नी फिल अर्जी खलीफ़ा कि मैं ज़मीन के अंदर एक ख़लीफ़ा एक नाई बनाने वाला हूँ फ़रिश्तों ने इस बात को सुनकर के एतराज़ भी किया कि अतजांुफ़ी मयूफ़ सिफ़ी हाँ वजस्फ़ुद्दीमा कि क्या आप ज़मीन के अंदर एक ऐसी मखलूक को भेजेंगे कि जो ज़मीन में फसाद मचाएगी वसफिकद्दमा और उसके अंदर खून बहाएगी एक दूसरों का कत्ल गारतगिरी करेगी अल्लाह तबारक व ताली ने उनका सरसरी तौर पर जवाब दिया आलम आलमला तम कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते इस तरीक़े से अल्लाह तबारक वाली ने हज़रत आदम सलासलाम को बनाया और आदम सलासलम के ज़रिए से तमाम इंसानों को इस दुनिया में भेजा अल्लाह तबारक व ने इंसानों को दुनिया में तो भेजा इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक जाप्ता बता दिया अल्लाह ताला ने एक जाप्ता और एक क़ानून बना दिया वो जाप्ता और कानून ये है कि जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम पर हालात होंगे जैसे आमाल होंगे वैसे ही हालात होंगे आमाल अगर सही होंगे तो हालात भी सही होंगे आमाल अगर ख़राब होंगे तो हालात भी ख़राब होंगे आमाल अगर समर जाएंगे तो हालात भी समर जाएंगे आमाल अगर बिगड़ जाएंगे तो हालात भी बिगड़ जाएंगे ये अल्लाह ताला का जब्ता है अल्लाह ताला का क़ानून है और इसी जबते को और इसी क़ानून को अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान करीम में भी ज़ाहिर फ़रमाया चुनान चेकायत करीम हमल्ला तशात फरमाते हैं वलवान्ना अहल कुरा आमनु वक़ुलफ़त आलबरक़ात मिनसम इर्ज़ के अगर बस्ती वाले लोग किसी कौम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये बस्ती वाले लोग ईमान लाते व तकव और तकवा इख्तियार करते अल्लाह ताला से डरते तो लफतना आलबरक मिनसमाय वलर्द तो हम आसमान और ज़मीन के बरकतों वाले दरवाज़े इनके लिए खोल देते यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जबता है कि अगर ये ईमान लेकर के आते अपने अमाल को दुरुस्त करते तकवे वाली ज़िंदगी गुजारते तो हम इनके हालात को दुरुस्त कर देते और आसमान और ज़मीन की बरक़तों वाले दरवाज़े तमाम दरवाज़े इनके लिए खोल दिए जाते तमाम इन और इसी तरीके से नमतों की इन पर बारिश होती लेकिन ये लोग ईमान नहीं लेकर के आए और इन्होंने अपने आमाल को नहीं संवारा इसलिए अल्लाह तबारक वताल ने उनको हलाक कर दिया इसी तरीके से जो लोग ईमान लेकर के आए और आमाल सारियाँ की अल्लाह ने उनके बारे में भी कहा कि मन आमिल सल हम मिन जकरिन अंसा के जो शख्स आमाल सालियाँ करे वह मुमिन और इसके साथ साथ के वो ईमान वाला भी हो फ़लन हुआ हयातन तगीबा तो हम इसी दुनियावी ज़िंदगी में उसको पाकिज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे यानी दुनियावी ज़िंदगी उसकी अच्छी कर देंगे बेहतर कर देंगे राहत सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी ये होगी यानी आमाल अगर सही होंगे तो अल्लाह ताली इस दुनियावी ज़िंदगी में भी सुकून देंगे वाला नजी अजरगम बिहसनी कानूम और कहते हैं कि आख़रत में उससे बेहतरीन बदलाता फ़रमाएंगे जो किया करता था आख़िरत में और अच्छा बदलाता फ़रमाएंगे तो बहरहाल कुरान करीम की इन आयात से पता चलता है इसके अलावा और भी बहुत सारी आयात हैं जिनका तस्कर अल्लाह ताल ने करीम में किया है तो पता चलता है कि अल्लाह ताली का जब्ता है अल्लाह ताली का कानून है कि जैसे बंदों के आमाल होंगे वैसे ही उन पर हालात होंगे आमाल अगर सही, तो सही अगर होंगे तो हालात भी सही होंगे आमाल अगर ख़राब होंगे तो हालात भी ख़राब होंगे अच्छा इस बात को सुन कर के इस जबे को सुन कर के जहन में एक बात आती है कि अगर लोगों के आमाल सही होंगे और आमाल के पाबंद होंगे अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद होंगे नबी की सुनतों के पाबंद होंगे तो हालात सही होंगे लेकिन हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमान वाले हैं इसी तरीक़े से उनके अमाल साले हैं अच्छे आमाल हैं और अल्लाह ताला के अहकाम की फरमा बर्दानी करने वाले हैं नबी की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं यानी तमाम चीज़ों के पाबंद हैं दीन के मुताबिक शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया में परेशान नज़र आते हैं फिर भी दुनिया में जो है उनकी दुनियावी ज़िंदगी परेशानी वाली ज़िंदगी दिखाई देती है और उनको तरह तरह से सताया जा रहा है कभी जो है यानी रिस्क को लेकर के परेशान हैं इसी तरीके से दुनियावी जिंदगी को लेकर के परेशान हैं औलाद को लेकर के परेशान हैं घर को लेकर के परेशान हैं कारोबार को लेकर के परेशान हैं ये सब दिखाई देता है दुनिया में देखते हैं कि ईमान वाला है और उसके बावजूद भी परेशानी की ज़िंदगी बसर कर रहा है हालांकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो ईमान वाला होगा आमाल साली करेगा उसको जो है सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और ये लोग तो परेशान नज़र आ रहे हैं बहुत से लोग दिखाई देते हैं दुनिया में अल्लाह जो है शरीयत के पाबंद भी हैं लिबास भी सुन्नती है और नबी की सुन्नत भी है चेहरे के ऊपर तमाम चीज़ों के पाबंद हैं तो जहन में ये बात आती है कि देखिए ये अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद हैं अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने वाले हैं तमाम नमाज़ों के पाबंद है लेकिन इसके बावजूद परेशान क्यों है ये लोग हालांकि अल्लाह ताली का जाब्ता तो यही है कि तो अल्लाह तैयार के ज़बते के और कानून के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है तो देखिए इसके बारे में ज़ाबता याद रखिए इसके बारे में जब्ता यह है अल्लाह तबारक व का अल्लाह ताल्ला ईमान वालों को कभी जो है परेशान नहीं करते जो ईमान वाला हो और उसके अमाल पर अमाल जो है सही हों तक की फरमाबरदारी करने वाले हों तो उनके अमाल अगर दुरुस्त हों तो कभी ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक वताल परेशान नहीं करते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर परेशानी वाली चीज़ें नहीं आती यानी परेशानी वाली चीज़ें तो आती हैं परेशानी वाली जो है हालात उनके ऊपर आते हैं लेकिन वो उन हालात में परेशान नहीं होते अल्लाह तबारक वाल उनको जो है ऐसी सलाहियत और इसी तरीक़े से ऐसी कुत अदा फ़रमाते हैं और उनके जो है अंदर अल्लाह तबारक व तैल ऐसा मलक पैदा कर देते हैं कि वो उन परेशानी वाली हालात में भी परेशान नहीं होते अल्लाह ताला उन परेशानी वाले हालात में भी उन उनको परेशान नहीं करते वो परेशान नहीं होते मिसाल के तौर तो पर जैसे कहा गया कि ईमान वाले परेशान नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईमान वाले कभी बीमार नहीं होते ये बीमारी जो ये परेशानी का जिसमें इंसान परेशान हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईमान वाले पर परेशानी नहीं आएगी जिसके आमाल सही होंगे उस पर कभी परेशानी नहीं आएगी ईमान वाले पर बीमारी आएगी ईमान वाले पर बीमारी आएगी लेकिन बीमारी ऐसी होगी कि वो उस बीमारी में परेशान नहीं होगा बीमारी से भी परेशान नहीं होगा बीमारी होगी और वो उसमें जो है सुकून के साथ होगा जैसे कि आप देखिए हज़रत अयूब आल सलासलम को देखिए उनकी सीरत को उठा करके देखें तो हज़रत असलात सलाम नबी है ईमान कामिल है आमाल पूरे हैं आमाल साले हैं और अल्लाह तबारक वताल ने एक सख्त कस्म की बीमारी में आपको मुबतला कर दिया एक बहुत बड़ी बीमारी में आपको मुबला कर दिया लेकिन इसके बावजूद वो इस बीमारी जो परेशानी वाली हालत होती है इस परेशानी वाली हालत में भी परेशान नहीं है इस हालत में भी जो खुश हैं वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तआला की इबादत कर रहे हैं तो ये होते हैं ईमान वाले अल्लाह तआला के जब्ते के मुताबिक कि ईमान वालों पर, पर परेशानी अव्वला तो आती नहीं और अगर परेशानी वाली कोई चीज़ दिखाई दे कि परेशानी वाले हालात हैं तो वो ऐसे अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर ताकत पैदा करते हैं कि वो उन परेशानी वाली हालत में भी परेशान नहीं होते इसी तरीके से ईमान वालों पर ईमान वाले कभी परेशान नहीं होते अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों पर जो है कभी परेशानी नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं था कि ईमान वाले गरीब नहीं होते ईमान वाले और आमाले साले वाले कभी ग़रीब नहीं होते ये मतलब नहीं है ईमान वालों पर परबत आती है आएगी लेकिन गुरबत ऐसी होगी कि वो उस गुरबत में भी परेशान नज़र नहीं आएंगे चुनाचे आप देखें देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा करके देखें कि आप अलैहि व सलाम ने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है मस्किनों वाली ज़िंदगी गुजारी इसी तरीके से रबत वाली ज़िंदगी बसर की लेकिन कभी जो है आप उस ज़िंदगी में परेशान नहीं देखेंगे रिवायत माता हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह फरमाती हैं कि हमारे घर के अंदर जो है दो दो महीने इस तरीके से गुजर जाया करते थे कि घर में चूल्हा नहीं जलता था चूल्हा नहीं जलता था यानी मतलब खाना नहीं बनता था घर में घर में जो है चूल्हे पर खाना नहीं बनता था और हम इसी तरीके से ज़िंदगी बसर करते थे कि कभी खजूर खा ली कभी पानी पी लिया कभी जो है दूध पी लिया और खाने की रोटी वगैरह नहीं बनती थी सालन नहीं बनता था दो दो महीने इस तरीके से गुजर जाया करते थे तो ये परेशानी वाले और इसी तरीके से जो गुरबत वाले हालात थे लेकिन ये साहब कराम और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजवाज मताहर इन हालात में भी परेशान नहीं थे इन हालात में भी वो खुश थे अल्लाह ताला के अकाम के पाबंद थे तो अल्लाह तबारक वताल ईमान वालों को पर परेशानी वाली जो सूरत हाल होती है वो आती है लेकिन वो उस परेशानी में भी परेशान नहीं होते ऐसी ताक़त दे देते हैं और ऐसा जो है उनकी ऐसा मलका पैदा कर देते हैं कि वो उसमें भी परेशान नज़र नहीं आते इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा करके देखें कि कि़बंद के मौके पर आपने जो है साहब क्राम ने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं आप सलाम के पास आए साहब क्राम तो आपके पेट पर जो है दो पत्थर बंधे हुए हैं आप देखें इस गजब खंदक के मौके पर जब तमाम जो है मुसलमानों को हला करने के लिए बर्बाद करने के लिए और मिटाने के लिए तमाम जो है कबाइल आ गए और उस वक्त जो है ये सूरत हाल थी कि खाने के लिए नहीं था ये सूरत हाल बनी कि पेटों पर जो है साहबा कराम ने और के रसूल सल्ला वसलम ने पत्थर बांधे हुए हैं लेकिन इस सूरत हाल में भी वो परेशान नहीं थे इस सूरत में भी वो जो है अल्लाह तबारक व ताल्रिया अदा कर रहे थे और जो है सुकून वाली ज़िंदगी थी उनकी इसी तरीके से ईमान वाला परेशान नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि ईमान वाले पर जो है कभी ए, कभी मकरूज़ नहीं होगा मकरूज़ होगा लेकिन मकरूज़ होने के सिलसिले में मकरूज़ होने के बावजूद उस पर शायद में जो कोई टेंशन नहीं होगी जो आदमी कर्ज़ ले लेता है उसको टेंशन होती है दुनिया के अंदर के कर्ज़ अदा करना है लेकिन मकरूज़ होगा ईमान वाला लेकिन कोई टेंशन नहीं होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिए हैं लेकिन परेशानी नहीं है किसी किस्म की आप आसलाम की वफ़ात हुई तो आप पर कुछ कर्ज था इस हालत में आपका इंतकाल हुआ लेकिन देखें कि फिर भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है परेशान नज़र नहीं हो साहब कलाम की पूरी सूरत को देखे हजरत बिला रजी अल्लाह तैन हजरत अम्माबिन यासर हजरत अब्ब रजील्ला तौन कि जो इब्तदाई इस्लाम में जो है ईमान लेकर के आए लेकिन और इनको इतनी तकलीफें दी गई इनको जो है मारा गया और इसी तरीके से रास्ते में घसीटा गया और इसी तरीके से धूप में इनको लेटाया गया तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई लेकिन इन सूरत हाल में भी जो लोग परेशान नहीं थे खुलासा मेरी बात करने का यही है कि हमारे जो है हालात को अल्लाह तबारक व ताली ने आमाल से वाबस्ता किया आमाल से जोड़ा है हमारे जैसे आमाल होंगे वैसे ही जो है हमारे ऊपर हालात होंगे आमाल अगर सुधरेंगे तो हालात भी सुधरेंगे आमाल अगर बिगड़ेंगे तो हालात भी बिगड़ेंगे चुनानचे अल्लाह ताली ने कुरान करीब में पिछली कौमों का तस्करा किया है कि पिछली अवाम को जोने हला किया फ़कुल्लाखजना बिजम्बी सब को जो है उनको गुनाहों की वजह से हमने पकड़ दिया उनको बर्बाद कर दिया फ़मिन हमन अरसा आलैबा बास पर जो है हमने पत्थरों की बारिश की वमिन मन आखत व सही हा पर जो है कोई चीख़ आई और जो है वो हलाक हो गए वमिन हम मन खसफना बिखिल अर्ज बास को हमने ज़मीन में धसा दिया वमिन हम मन आग रखना बास को हमने गर्क कर दिया फिर इनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं वमा मा कानल्ला यजलि हम वाल कानो अनफुज अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया लेकिन ये अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले थे जो कि इन्होंने अपने आमाल को नहीं सुधारा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं लेकर के आए इसलिए अल्लाह ताला ने इनको हलाक कर दिया इसी तरीके से हर तूसतम की कौम को, देखे। को, को देखें सबकाम को सबको देखें तो जिन्होंने ईमान लेकर के आए और अपने आमाल सुधार लिए अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और जिनके आमाल बिगड़ गए अल्लाह ताला ने उनको हला कर दिया यही दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जब्ता रखा है लिहाजा हमें अपने आमाल को बनाना है अपने आमाल को सुधारना है तो अगर हमारे आमाल सुधरेंगे आमाल सही होंगे तो ये दुनिया भी जिंदगी भी हमारी सुकून वाली और इज्जत वाली होगी और आमाल बिगड़ेंगे तो ये दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत में भी हम जलील होंगे और जो है अजाब को जो है भुगतना पड़ेगा इसी के लिए जो है मेहनत है कि किस तरीके से हमारे आमाल सवर जाए हमारा ईमान सवर जाए ईमान बन जाए हम आमाल बन जाएँ और ये अपने आमाल ले करके हम अल्लाह तबारक व ताल के पास जाएँ तो हमारे ईमान आमाल जो, जो पूरे हों और ईमान भी हमारा मुकम्मल हो इसलिए कि इसी के लिए मेहनत है सभी साथी बताएँ कि अल्लाह तबारक वाली के रास्ते में निकल करके मेहनत करनी है अपने अमाल को बनाना है और ईमान को बनाना है इसलिए साथी बताएँ अपना नाम लिखवाएँ अल्लाह तबारक व ताल सब का निकलना आसान फनमायें